कुछ लोग तो ओवर एक्साइट, अरे हाँ हाँ लेकिन चल, अरे यार दम रखो भाई, ओवर एक्साइटमेंट, नाच रहा है साला रोड में, ओवर एक्साइटेड हो जाता है, अरे आ जाओ जिंदगी चेंज हो जाएगी, एक साल में हवाई जहाज घर के बाहर, दूसरे साल में बुलेट ट्रेन तुम्हारे नाम का चलेगा रे, समझ में आ रहा है, और पांचवा साल में दुबई 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 जाओगे नहीं, खरीद लोगे, ओवर एक्साइटमेंट में नहीं बोल देना, समझ में आ रहा है, yes, इतना एक्साइटमेंट, ये देख रहे हो ये मेरा ऑफलाइन है, ऑफलाइन चुप है बेचारा, ओवर एक्साइटमेंट, ये देख रहे हो ये अभी गाड़ी निकालने जा रहा है और 3 महीने बाद ये बंदा जानते हो BMW निकालने जा रहा है, हम कब बोले बे, सोच रहा है कम से कम 10,000 लोगों को, 10,000 साला अभी मेरा टीम 10 का हुआ है, इतना एक्साइटमेंट उसको ओवर बना देता है, नस करता है, क्या बात कर रहे हो, ये बड़ा बिजनेस वाले के लिए प्रोजेक्ट है, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या कर तो कुछ नहीं यार, क्या करते हो, अरे कुछ नहीं, मुर्गा का बिजनेस, अरे मुर्गा वालों के लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट है, हम लोग आ जाओ भाई, आ जाता तो अच्छा हो जाता, मतलब इतना आप रिक्वेस्ट कर देते हो कि अगला बंदा आता भी नहीं है, ये गलती मैंने किया है, मेरे बोलूंगा कि रसगुल्ला कल से तीखा हो गया, आप मान जाओगे, रसगुल्ला टेस्ट करने जाओगे जी, टेस्ट ध्यान से देखेगा, इनविटेशन क्या बता रहा हूं मैं, इनविटेशन, हेलो, पहली बात तो समझ लो इनविटेशन होता क्या है, कोई बता सकता है इनविटेशन क्या होता है, सो क्या होता है, निमंत्रण देना, वेरी गुड, जोरदार ताली होना चाहिए, वेरी गुड, पर मेरे हिसाब से ध्यान से देखो, इनविटेशन लाइक ए ट्रेलर, क्या है, ध्यान से सुनना, इनविटेशन लाइक ए ट्रेलर और मूवी लाइक ए STP, समझ में आया, इनविटेशन ट्रेलर है और मूवी STP है, फिल्म देखते हो ना, किसी फिल्म का ट्रेलर देखे हो, कितने लोगों ने किसी भी फिल्म का ट्रेलर देखा है, कभी भी कहीं भी, अच्छा नाम सुना है आपने, ट्रेलर बोल के कोई चीज होता है जानते हो, किसी मूवी आने से पहले उसका क्या आता है, ट्रेलर आता है, हेलो आता है कि नहीं आता है, देखना जिस मूवी का ट्रेलर खराब रहेगा वो मूवी लोग देखने नहीं जाता, आजकल प्रमोशन का जमाना है, क्या है जी, ध्यान से सुनो, आजकल क्या चीज का जमाना है, प्रमोशन का जमाना है कि नहीं है, आज एक बात दिमाग में बिठा लो, जिस मूवी का ट्रेलर बहुत अच्छा है, जिस मूवी का ट्रेलर एकदम धाकड़ है वो मूवी सुपर डुपर हिट होती है, हाँ या ना, जिस मूवी का ट्रेलर एकदम रूखा सूखा है वो मूवी फ्लॉप, तो ट्रेलर क्या है, तो तगड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, आप STP में जो बोलो सब सुनेगा, हेलो सब सुनेगा, लेकिन पहले STP में लाना तो पड़ेगा जी, ट्रेलर एक ऐसा चीज होता है जो लोगों को मूवी सिनेमा हॉल में खींचता है, या ना, देखने के लिए मजबूर करता है, तो ट्रेलर अगर तगड़ा नहीं रहेगा तो लोग मूवी देखने नहीं आएगा, इसलिए ट्रेलर को तगड़ा बनाओ, समझ में आ रहा है, आपका इनविटेशन में दम होना चाहिए, जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ इनविटेशन करना होगा, कई लोगों को मैं देखता हूं इनविटेशन में लूज पूज, मान के चलिए 4 इनविटेशन आपने किया, 5-4 ने अगर आपको सपोज ना बोल दिया, पांचवा के पास आप गए हो, आइएगा भैया STP है, एक चेक रुका हुआ है, आ जाओ भैया, बोलता नहीं लेकिन अंदर यही बोल रहा है, समझ पा रहा है मेरी बात, जिंदगी में नहीं आएगा, अरे धमाके तरीके, 4 ना बोले तो 5वां तो हां बोलेगा ही बोलेगा, 5 ना बोले 6वां तो हां बोलेगा ही बोलेगा, इस एटीट्यूड के साथ जाओगे ना आपका हर इनवाइटी होगा,
समझ में आ रहा है? बाकी डू एंड डोंट तो बहुत कुछ सिखाया ही जाता है, सिखाया ही जाता होगा, आपके ऑफलाइन ट्रेनिंग देते ही होंगे। लेकिन आज मैं जो इनविटेशन बता रहा हूं, आज मैं दो चार फॉर्मूला बताऊंगा, उसको आप दिमाग में बिठा लो। समझ में आ रहा है? पहला बात, इनविटेशन जस्ट लाइक ए ट्रेलर, मूवी है एसटीपी। समझ में आ रहा है? तो आपका अगर ट्रेलर खराब रहेगा तो लोग फिल्म देखने नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? और यही होता है, हम जितने भी लोग, जितने लोग काम कर रहे हैं, आप सभी लोग, 90% लोग का ट्रेलर ही इतना वाहियात रहता है कि लोग मूवी देखने आता ही नहीं। समझ में आ रहे हो? और अगर ट्रेलर अगर आपने खराब कर दिया, फिर भी कई लोग आ जा रहा है, तो देखना वो डीडी भी नहीं देता है। तो जम के और बढ़िया तरीके से इनविटेशन करना। इनविटेशन में सबसे पहला चीज क्या इंपॉर्टेंट रखता है? इंपॉर्टेंट नंबर वन, इन शॉर्ट इनविटेशन, जब भी इनविटेशन कीजिए शॉर्ट में कीजिए। किसमें कीजिए जी? शॉर्ट में, छोटा कीजिए। हेलो, क्या कीजिए? छोटा कीजिए। इनविटेशन थोड़ा याद करो, किसी भी चीज का इनविटेशन शॉर्ट होता है, छोटा होता है? यस सर। होता कि नहीं होता है? Yes, बड़ा होता है? नहीं। कैसा होता है इनविटेशन? छोटा। एग्जांपल शादी का देखिए, शादी का इनविटेशन देने के लिए जाते हो आप, तो सब कुछ बताते हो? हाँ जी, सब कुछ बताते हो? अब जैसे इनविटेशन, मैं एग्जांपल के रूप में, मुझे अपने घर में किसी का शादी करने का है, सपोज मान के चलो मेरी सिस्टर का, तो मैंने क्या इनविटेशन कार्ड दिया और उसमें लंबा चौड़ा सब बताते उसको, अरे खाना देखो सुन लो, अरे आप आ रहे हो ना, सुनिए क्या क्या खाने में, सो ये है ये है ये है ये है, वेज में ये है, नॉन वेज में है, और लड़की देखिए इस कलर की साड़ी पहन रही है, इस कलर का लहंगा पहन रही है, लड़का सुनो क्या पहन के आ रहा है, म्यूजिक सुनो कौन कौन सा गाना, सलमान खान का, आमिर खान का, इसका इसका गाना बजने वाला है, बताते हैं? देखना जो लोग शादी का कार्ड देने आता है ना, लीजिए बहुत काम है, बस लीजिए हमको चाय भी, नहीं नहीं टाइम नहीं, बहुत लोगों को देना है मेरे पास, ये है इनविटेशन का टेक्निक, हाँ या ना? Yes, समझ में आ रहा है मेरे पास? Yes, sir. Yes, sir. अब किसी के पास बच्चे का इनविटेशन का अगर कार्ड देने के लिए जा रहे हो, तो उसमें लंबा छोड़, अरे सुनो बच्चा का एंट्री कैसे होने वाला है, ये सब बताते हो? उसको क्या मिलने वाला है, कौन सा ड्रेस पहने, ये सब लंबा चौड़ा कोई कहानी नहीं, चुपचाप बच्चे का इनविटेशन आप आइए, सारा चीज वहां पता चलेगा, शादी में आइए क्या क्या पकवान है, क्या क्या खाना है, क्या क्या चीजें रखा गया है, लड़की का कैसे एंट्री होगा, लड़का का कैसे होगा, घोड़ा में होगा, क्या होगा, सब वहां पे आके देखना, आया ना? Yes, कि लंबा चौड़ा कहानी वही बता देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन। इनविटेशन में शॉर्ट क्या करना है? शॉर्ट बताना है। समझ में आ रहा है मेरे बात? कई लोग, मैक्सिमम लोगों का इनविटेशन इसलिए नहीं हो पाता है कि वो इनविटेशन ना करके पूरा खाना वहीं खिला देता है। बोलना कुछ और, कुछ लोगों की आदत तो मैं देखूंगा ना, उसका माँ बाप के बारे में बोला पूछने के लिए, माँ बाप भाई बहन में इतना घुस जाता है कि एक घंटा बात करने लगता, नहीं, शॉर्ट इनविटेशन। हमेशा स्टार्ट कीजिए फॉर्म थ्योरी से। समझ में आ रहा है? फॉर्म थ्योरी जानते हो आप लोग ना? यस सर। देखिए ध्यान से, फॉर्म थ्योरी जानते हो? यस सर। फॉर्म थ्योरी जैसे एफ ओ आर एम, एफ फॉर फैमिली चिट चैट, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या धंधा पानी आपका है, क्या काम करते हो, रेस्ट टाइम पे आप क्या करते हो, या रिक्रिएशन, रेस्ट टाइम पे आप क्या करते हो। आप किसी को ना टाइम के बारे में पूछोगे कि हमेशा बिजी बोला, हाँ हमेशा, अरे रेस्ट टाइम, उसको हमने ऑप्शन दिया, लोगों को ऑप्शन बहुत ज्यादा पसंद आता है, मैं आगे बताता हूं। लास्ट में मनी मैसेज, मनी मैसेज, ठीक है, आप शुरू में मनी मैसेज दे देते हो, गलती वही होती है, और सुन लो इतना बात करने के बाद, यहां देवेंद्र भैया की लास्ट का 2-3 मिनट पहले मैसेज दो, आपको कहां और कितना बजाना है, लास्ट जैसे आपने उसे 10 मिनट बात किया, तो 7 मिनट तक आप फैमिली ये वो बात किए, और लास्ट का 2-3 मिनट में उसको आप ऑफर दो। समझ में आ रहा है?
कि एक ऐसा प्रोजेक्ट में आना है जिसने कई लोगों का जिंदगी चेंज किया, आपका भी जिंदगी में बदलाव लाएगा। इट इज क्लियर? यस। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? yes, तो मेरा ये कहना है कि फैमिली, ये जो फॉर्म थ्योरी है ना, ये फॉर्म थ्योरी फैमिली के बारे में आप देखिए, जरूर पूछिए क्या करते हो आपके मम्मी पापा, क्या करते हैं आपका। अब किसी का सपोज मान के चलो वो मेडिकल में परेशान है, वो सपोज मान के चलो जा रहा है, उसके घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया, और उस समय आप उसको बिना फैमिली के बारे में पूछताछ किए हुए अगर आप उसको ऑफर देते हो तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसकी मम्मी का बहुत भयानक तबियत खराब, और वहां कुछ बात करो, आपकी बात को सुन तो रहा है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं सुन रहा है। समझ में आ रहा है? लिसनिंग कर रहा है, हियरिंग नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये हो गया फैमिली। उसके फैमिली के बारे में जब पूछोगे, सब कैसे हो मम्मी पापा, कैसे है, ठीक ठाक है, चाहे दोस्त को भी इन्विटेशन करने क्यों ना जाओ, चाहे अपनी सहेली को इन्विटेशन करने क्यों ना जा रहे, लेकिन उसकी फैमिली के बारे में पहले पूछिए। ऑक्यूपेशन करता क्या है, कौन सा क्लास में हो, कौन सा स्कूल में हो, क्या करते हो, कौन सा सब्जेक्ट लियो, क्या बनना है, फ्यूचर एम्बिनेशन, आपका एम्बिशन क्या है, ये सब जब पूछोगे ना तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ पूछ रहा है। डॉक्टर बनेगा, कैसे बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कैसे बनोगे, एक सवाल कर देना। खैर छोड़ो, बाद में बात करेंगे इस मैटर पे। तुम्हारे पास रेस्ट टाइम तो रहता होगा ना, दिन भर में कभी तो रेस्ट टाइम रहता होगा, बस उसी रेस्ट टाइम को देना है। कहां पे देना है? रिक्रिएशन भी कर देना, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, अरे तुम्हारा बोलने का शैली बहुत अच्छा है, तुम्हारा लुकिंग बहुत अच्छा है, तुम्हारा लुक जो है ना बहुत बढ़िया परफेक्ट बैठेगा। हेलो, और मनी मैसेज देना है कि आप आइए उस जगह पे और आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, आपका 90 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब भी फॉर इनविटेशन करें, लास्ट में 2-3 मिनट में ही दीजिए उसको मैसेज। आप समझ में आ रहा है मेरी बात? इट इज क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनविटेशन विथ एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या है? उसको एडिफाई करना। समझ में आ रहा है? अब देखो सुनो क्या होता है एडिफिकेशन। जैसे मैंने अभी बोल रहा था, तुम क्लास 12 में हो ना, हेलो क्या नाम है आपका, क्लास 12 में ना, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं किसी को भी एक्स वाई जेड, पीछे वाला कोई बंदा है, पीछे वाला कोई आओ इधर, ओ भैया हेलो आ जाओ, आ पाओगे तुम, अच्छा तुम ही आ जाओ, गर्ल्स हो तो गर्ल्स ही आ जाओ, आ जाओ। चलिए लड़की पे ही ट्राई करते हैं। क्या नाम है आपका? शीला कुमारी। शीला कुमारी, वेरी गुड। क्या करती हो शीला? जी पढ़ाई करते हैं। ये सब कुछ फॉर्म थ्योरी वगैरह सब अपना कर, क्या करती हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करती हो, क्या करती हो? तो 12th में पढ़ाई कर, 12th में हो, क्या बात कर रही हो, हाथ मिलाओ, ये तो क्लास 12th वालों के लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इससे बेस्ट प्रोजेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, स्पेशली फॉर 12th वालों के लिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से देना है। आपको क्या लगता है क्लास 12th वाला क्या कर सकता है? हेलो, आपको क्या लग रहा है क्लास 12th वाला क्या कर सकता है? अभी तो 12th एग्जाम देने के बाद कुछ काम करना चाहेगा। काम देखो, मैं उसने पूछा, मैं भी पूछा, जवाब कौन दे रहा है? मैं जवाब दे रहा हूँ? नहीं ना, तो मैं जिस पॉइंट, इस पॉइंट के जवाब आगे भी दूंगा। इसने क्या बोला? 12th बोला, तो एडिफाई यहाँ पे करना। अब जैसे इसने बोला कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी कर रहे, क्या बात है यार, नौकरी करने वालों के लिए मेरे हाथ में जबरदस्त प्रोजेक्ट है। आप पूछिएगा क्या करते हो? कुछ नहीं यार, घर का एकदम नालायक, नालायक हो, नालायक लोगों के लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट है, हाथ मिला, बिल्कुल नालायक लोग आता है तो चेंज कर लेता अपने आप। क्या कर, तो कुछ नहीं, घर का एक नंबर का निकम्मा, क्या बात कर रहे हो, निकम्मे लोगों के लिए मेरा आपका जबरदस्त प्रोजेक्ट। क्या करते हो भाई? कुछ नहीं, बैल चराते। क्या बात करते हो, बैल चराने वालों के लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट है, हाथ मिला, तुम्हारे लिए तो स्पेशल है। हेलो, क्या करते हो? छोटा मोटा दुकान। क्या बात कर रहे हो यार, छोटा मोटा दुकान वाले के लिए ये प्रोजेक्ट है, हाथ मिला, तुम्हें लोगों के लिए है। बड़ा बिजनेस करते हैं। क्या बात कर रहे हो, ये बड़ा बिजनेस वाले के लिए प्रोजेक्ट है,
समझ में आ रहा मेरी बात? Yes, sir. क्या कर तो कुछ नहीं यार, टेंथ में फेल कर दो रे, फिलहाल लोगों के लिए प्रोजेक्ट है, टेंशन ना लो, तुम्हें लोगों के लिए तो प्रोजेक्ट है। हेलो, yes, sir, समझ में आ रहा मेरी बात? Yes, sir. आया ना? Yes. क्या करते हो? अरे कुछ नहीं, मुर्गा का बिजनेस। अरे मुर्गा वालों के लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट है, हम लोग तो मुर्गा ही बनाते हैं। और उसको फ्यूचर का एक बड़ा लीडर बना देते हैं। आया ना? Yes, sir. कोई भी बात बोले उसको एडिफाई करना है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. किस क्लास में हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और डॉक्टर? अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर लोगों के लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट है, कितनी सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हो हेल्थ के लिए, मैं बता नहीं सकता हूं। हेलो, yes, सुनाई दे रहा है मेरी बात? Yes, आया ना? Yes, क्या करते हो? अरे कुछ मत पूछो यार, मैं साला घर का लतखोर लड़का हूँ। क्या बात कर रहे हो? लतखोर लोगों के लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट है, कुछ भी वो बोले उसको एडिफाई करना है। क्या करना है? एडिफाई करना है। आप कुछ भी वो ऐसा बात, अरे यार तेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं बोलने का, समझ में आ रहा है? एडिफाई करना है, समझ में आ रहा है? Yes. तो उसको ना थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है, तो उसको वैल्यू समझ में आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये छोटा छोटा टर्म है जो उसको याद करना है, बाकी हर सवाल का जवाब, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से दोगे, वहां पे आइए 90 मिनट। आज एक बात बताओ, बाकी वो वहां पे जब आप आएंगे तो पूरी बात आपको डिटेल में। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, किसी का बड़ा ऑपरेशन डॉक्टर को ऑपरेशन करते हुए देखी हो? No. नहीं देखी, सुनी हो? Yes, sir. एक डॉक्टर गया और 2 मिनट में ऑपरेशन करेगा, क्या होगा? No, मर जाएगा, मर जाएगा। हाँ या ना? Yes. डॉक्टर को 1 घंटा 2 घंटा लगता है ना? सेम टू सेम, ये बताने का सही जगह भी नहीं है और आपको 2 मिनट में बताया भी नहीं जा सकता, पूरा डिटेल में आपको वहां पे बताया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, ये सबको आप बात बोलते हो, आप लोग तो जानते हो, इसमें एक्सपर्ट है ही हो। हाँ या ना? आज के तारीख में एग्जाम कितने मिनट में देते हो? 2 मिनट में देते हो क्या? 3 घंटा लगता है ना? सेम टू सेम यहाँ 2 मिनट में बता भी नहीं सकता हूँ। आप एग्जाम देने के लिए कहाँ जाती हो? एग्जाम सेंटर में जाती हो? Yes, sir. कि ऐसे पार्क में एग्जाम दे देती हो? एग्जाम सेंटर में। हाँ या ना? Yes. तो उसी तरीके से यहाँ बताने के लिए एक जगह है जहाँ पे आपको आना पड़ेगा। हाँ या ना? Yes, sir. ये सुनो, yes, आप बीमार पड़ जाते हो तो किसके पास जाते हो? Doctor. अरे हाईकोर्ट नहीं जाती हो? नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो जगह सही नहीं है। ये सब तो हजारों क्वेश्चन आप लोग जवाब देते ही होंगे, ट्रेनिंग देते ही होंगे। चलिए, वेरी गुड, बैठ जाइए, इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन, इसका इनविटेशन विद एडिफिकेशन, समझ में आ रहा है? एडिफाई करना है उसको, समझ में आ रहा है? मतलब उसकी तारीफ करनी है। हेलो, yes, sir. Okay? समझ में आया? Yes, इसके बाद है, हाँ एक बात और है, सो योर एक्साइटमेंट, आपकी एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। कई लोग सो योर एक्साइटमेंट, आपकी एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। कई लोग साला मरा हुआ मुर्गी टाइप पे जाता है, कर लो, कर लो तो अच्छा होगा, कृपा होगा भैया, जिंदगी चेंज हो जाएगा, दीदी ज्वाइन कर दो, एक बचा हुआ, दो उधर हो गया है। तो वो बंदा नहीं आएगा, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं। कुछ लोग तो ओवर एक्साइटमेंट, अरे आ गा, जिंदगी चेंज, अरे यार दम रखो भाई, ओवर एक्साइटमेंट, नाच रहा है साला रोड में। एक्साइटमेंट जरूरी है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं, कम एक्साइटमेंट भी नहीं, समझ में आ रहा है? हेलो, ब्लड प्रेशर हाई भी प्रॉब्लम है, लो भी प्रॉब्लम, मालूम है कि नहीं मालूम? लो में भी बेहोश हो जाओगे, हाई में भी बेहोश हो जाओगे। हेलो, कई लोगों को देखो मरा हुआ टाइप का, जैसा मैं शुरू में बता रहा था, जाएगा, आ जाओ भाई, आ जाता तो अच्छा हो जाता। मतलब इतना आप रिक्वेस्ट कर देते हो कि अगला बंदा आता भी नहीं है, ये गलती मैंने किया है। मेरे एक सर थे जो पढ़ाते थे, ट्यूशन सर थे, उनको मैं कितना बार रिक्वेस्ट किया, एक बार भी नहीं आया। रिक्वेस्ट वाला बंदा एक बार भी नहीं आएगा। और कई लोग ट्रेनिंग लेने के बाद इतना ओवर एक्साइटेड हो जाता है, अरे आ जाओ, जिंदगी चेंज हो जाएगी, 1 साल में हवाई जहाज घर के बाहर, 2 साल में बुलेट ट्रेन तुम्हारे नाम का चलेगा रे, समझ में आ रहा है? और 5वां साल में दुबई 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 जाओगे नहीं, खरीद लोगे, ओवर एक्साइटमेंट में नहीं बोल देना,
समझ में आ रहा है? इतना एक्साइटमेंट, ये देख रहे हो, ये मेरा अपलाइन है, अपलाइन चुप है बेचारा, ओवर एक्साइटेड, ये देख रहे हो, ये अभी गाड़ी निकालने जा रहा है और 3 महीने बाद ये बंदा जानते हो BMW निकालने जा रहा है। हम कब बोले बे? सोच रहा है कम से कम 10,000 लोगों को, 10,000 साला अभी मेरा टीम 10 का हुआ है, इतना एक्साइटमेंट उसको ओवर बना देता है ना, तो इतना भी ओवर एक्साइटमेंट नहीं, समझ में आया? लेकिन एक्साइटमेंट होना चाहिए, मरियल टाइप का बात नहीं करना। इनवाइट इनविटेशन क्या है? ट्रेलर दिखना चाहिए, 2-4 झलक दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, मतलब सवाल का जवाब सवाल से ही दे। जैसे उसने सवाल किया, क्या ये नेटवर्किंग है क्या? आप क्या करते हो? जवाब देने चले जाते हो। आपको क्या लगता है? आप क्या पूछोगे? आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ किए हो क्या? हमें बुराई नहीं करना है उसका, आपने कुछ ऐसा किया है क्या? भैया हमको लगता पकड़ने वाला बिजनेस है, आपको ऐसा लगता है? ऐसा क्या पूछना है? आपने कोई ऐसा काम किया है क्या? क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से। हेलो यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। कोई भी सवाल वो करे, मुर्गा बनाने वाला है क्या? बकरा बनाने वाला है क्या? अच्छा वहां पे क्या वो पकड़ा पकड़ी वाला है क्या? क्या बात है भाई साहब, ऐसा कुछ किया है क्या आपने? मेरे हाथ में ये घड़ी चोरी का है, आप बोल रहे चोरी का घड़ी है, तो इसका मतलब आप कुछ ऐसा काम करते होंगे तभी तो मालूम होगा ये चोरी का घड़ी है। yes, ऐसा कुछ किए हो क्या? बोलेगा नहीं। वो क्या बोलेगा? नहीं। आप बोलेगा हाँ हम सुने हैं, हम देखे हैं, हम सोशल मीडिया में देखे हैं। बोले भैया सुने तो बहुत कुछ है, अफवाहें तो बहुत कुछ होता है, आप रियल में जानने गए हो? मैं बोलूंगा कि रसगुल्ला कल से तीखा हो गया, आप मान जाओगे? रसगुल्ला टेस्ट करने जाओगे जी? टेस्ट करने जाओगे नहीं जाओगे? मैं अभी बोलूंगा कि आपका कान कौवा लेके चला गया, आप कौवे के पीछे दौड़ोगे तो फिर कान चेक भी करोगे? चेक करोगे ना जी? हाँ या ना? तो आपको चेक करने के लिए आना चाहिए हमेशा। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब क्वेश्चन से देना। पूछेगा क्या यहां 8 से 10,000 रुपया मिलेगा? नहीं, कितना पैसा मिलेगा? क्या पूछेगा? कितना पैसा मिलेगा? तो इतना पैसा, उतना पैसा, इतना पैसा, उतना पैसा नहीं बोलना है। आपको कितना चाहिए? आपको कितना चाहिए? बोले मेरे को तो 20,000 चाहिए, मिलेगा? बोलेगा मेरे को 5,000 चाहिए, मिलेगा? बोलेगा मेरे को 1,00,000 रुपया चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। हेलो Yes, sir. समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से ही देना। समझ में आ रहा है? कुछ भी पूछे उसका जवाब क्वेश्चन से ही देने का। इट इज क्लियर? यस सर। मजा आएगा इंटरेक्शन करना दुनिया का। देखिए हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान है, लोगों से बात करना ही हम लोगों का एक बोल सकते हो, दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसमैन बने हैं उसको बात करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और हम सेल्स मार्केटिंग फील्ड में है, हमें तो बात करने आना ही चाहिए। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं क्या वो बिना बात किए हुए आगे बढ़े हैं? नहीं सर। तो बात तो करना पड़ेगा। यस सर। हां या ना? आज एक बात बताओ, एक वकील को कैसे पैसा मिलता है? बहस करने से तो मिलता है। यस सर। हम अच्छे चीजों का बहस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब क्वेश्चन से ही देना है। हेलो yes, समझ में आ रहा है? कुछ भी बोले, नेटवर्किंग है क्या, ये है क्या, आपको क्या लगता है? समझ में आ रहा है मेरी बात? yes, समझ में आ रहा है? yes, आपको क्या लगता है? आपने कुछ ऐसा किया है क्या? वो बोलेगा नो, आप बोलेगा हाँ। हाँ क्यों? तब तो तुम जानता होगा यार, यहाँ पे कितनी पेमेंट आते, कितनी इनकम आती, तब तो तुम जानता होगा, रेशियो तो तुम जानता होगा, कौन सा सिस्टम में काम किया था, बाइनरी में किया था, इसमें किया है, नहीं देखे थे। जो लोग अनसुना रहेगा ना आधा अधूरा। दुनिया में जितना ज्यादा नहीं जानकारी वाला लोगों ने मारा नहीं है, दुनिया में आधा अधूरा वाला नॉलेज वाला ज्यादा मारा है। yes, समझ में आ रहा है मेरी बात? yes, sir. एक बड़ा एक चीज बताओ आपको, मैं एक हॉस्पिटल का नाम बोलता हूँ, बड़ा जानकर आश्चर्य होगा। मेरे रिश्तेदार, अभी मैं 3 दिन पहले उनको देखने के लिए गया था, यहीं पे एक हॉस्पिटल है और यहां का सबसे सुपर हॉस्पिटल
वहां पे वो गए थे आज से 5 साल पहले ऑपरेशन कराने। कहां गए थे? 5 साल में। मैं इसमें कोई झूठा कहानी नहीं बता रहा हूं भाई, कई लोगों को लगता होगा कि झूठा कहानी है, मेरे मोबाइल में उसको स्टॉप करो तो मार डालेगा। इसलिए स्मार्ट वैल्यू में आधा अधूरा नॉलेज वाला लोग ही सक्सेस नहीं करता। नॉलेज लेना है तो पूरा लो, नहीं लेना तो मत लो। अगर आपकी इच्छा कर रही नहीं नॉलेज लेने का, नहीं ट्रेनिंग लेने का, मत लो, ट्रेनिंग का बाहर चले जाओ, और लेना है तो पूरा ट्रेनिंग बैठ के लो। समझ में आ रहा है? लेकिन नॉलेज कितना डेंजरस है, आपने अभिमन्यु का नाम सुना? नाम सुना अभिमन्यु का, महाभारत में जो थे? केवल उसकी मां एक पलक झपकाई थी, उसमें सातवां दरवाजा कैसे तोड़ा जाता है। अर्जुन जी उसको कहानी बता रहे थे अपनी वाइफ को, वो पेट में था तो आखिरी दरवाजा कैसे तोड़ा जाता वो भूल गए, मतलब वो सो गई थी, सो गई तो बच्चा भी सो गया, वो समझ नहीं पाया, उसी आखिरी दरवाजा को वो भेद नहीं पाया जहां पे कौरव लोग उसको मार दिया। ये कहानी जानते हो ना? है ना? अगर यही पूरी नॉलेज रहती, ये लिटिल नॉलेज ही उसको मार डाला, आधा अधूरा नॉलेज ही मार डाला, है ना? इसलिए पूरी नॉलेज रखोगे तो पूरे तरीके से जवाब दे पाओगे। समझ में आ रहा है? हर सवाल का जवाब किससे देना? सवाल का जवाब सवाल से ही देना। इट इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये मैं इन्विटेशन में आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें होंगी सो, ठीक है? चलिए ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही अच्छा पॉइंट ये है। हाँ, एक बात मैंने जो बहुत पहले से नहीं बोला था बट अब मैं बोलता हूं, टू डेट्स, हमेशा लोगों को ना दो डेट दीजिए, टू डेट्स। समझ में आ रहा है? जैसे अभी तक हम लोग सीखे कि एक डेट, लेकिन अब टू डेट दो। एक बात याद रखिएगा, लोगों को जब ऑप्शन देते हो ना तो उसको अच्छा लगता है, जब किसी को दो डेट देते हो तो उसको लगता है कि मतलब वो फील करता है कि भैया मेरे को इस बंदे ने अहमियत दिया मेरे को। समझ में आ रहा है? वो फील अच्छा महसूस करता है जब किसी को दो डेट देते हो कि इस तारीख या इस तारीख को आइए, तो उसको लगता है कि हाँ भाई मुझे जज करने का एक मौका दिया है। समझ में आ रहा है? जब किसी को एक डेट देते हो ना तो उसको लगता है कि भैया होगा कि नहीं होगा, फिर वो डेट पे डेट देता चला जाता है। दो डेट दीजिए। क्या दीजिए उसको? टू डेट दीजिए। क्या दीजिए? संडे को 10 बजे, ये दो ही डेट है, संडे को 10 बजे या तो वेडनेसडे को 10 बजे, ये दो ही डेट निकला हुआ है सर, इसके बाद कोई डेट नहीं निकलेगा। अब क्या होता है ना, हम सैटरडे को किसी को इनविटेशन किया, समझ में आ रहा है? या किसी को फ्राइडे को इनविटेशन किया, अब उसको एक ऑप्शन देते हो वो संडे को खाली नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा आप फोन करके बोलते हो तो उसको लगता है कि हाँ ये बंदा, अब जैसे किसी ने क्या किया, एक एग्जांपल के रूप में दो डेट दी, संडे नहीं आया तो उसको उसी दिन कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेडनेसडे जरूर आइएगा, दिस इज द लास्ट डेट, उसके पास टाइम है, ह्यूज टाइम है, 3 दिन का टाइम है, हाँ या ना? मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, तीसरा दिन वो आ सकता है। हेलो, जो भी वेडनेसडे या थर्सडे, जो भी आपका प्लान होगा डेट रहता है, हफ्ते में 2 प्लान तो होते ही है ना। हमेशा लोगों को च्वाइस दो, जब च्वाइस देता है ना लोगों को अच्छा लगता है। केबीसी देखे हो? केबीसी में च्वाइस रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? वहां 4 च्वाइस रहता है तो लोगों को अच्छा लगता है। च्वाइस मतलब ये मेरे हिसाब से चलेगा चीजें, यहाँ 2 च्वाइस आप दे रहे हो, ए और बी। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आज के बाद उसको दो ही डेट दीजिए। कोशिश ये कीजिए, देखिए जिसको मंडे को आप इनवाइट कर रहे हो, जिसको ट्यूजडे को इनवाइट कर रहे हो, जिसको वेडनेसडे को इनवाइट कर रहे हो, उसको आप चाहो तो एक डेट दे सकते हो, लेकिन जिसको वेडनेसडे के बाद आप इनवाइट करो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसको 2 डेट दीजिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, या तो सभी को आप 2 डेट दोगे तो भी अच्छा रहेगा, कोई खराब नहीं रहेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, और अगर कोई बंदा बाय द वे ये दोनों डेट पे नहीं आया तो उसके पास लास्ट एक और डेट आप दीजिएगा कि इतना बजे आपको आना है। देखिए 2 डेट में अगर कोई आ गया वेल एंड गुड, जो नहीं आया तीसरा डेट उसके हिसाब से आप रखकर जरूरत पड़े तो 1:1 जिसको बोला जाता है आप जाके उसके घर में कर सकते हैं या ऑफिस में बुला के कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, दुनिया में साला आदमी टाइम कहां देता है? टाइम को लेकर जिस इंसान से आप टाइम लेना चाहते हो ना कि 90 मिनट दीजिए,
उस आदमी से ना जाने कितने लोग टाइम लेने के लिए सोचता है, सोचता है कि नहीं सोचता है। सपोज एक आदमी नौकरी करता है, बीवी क्या बोलती, टाइम नहीं देते हो, साला बच्चा उसको बोलता है टाइम नहीं देते हो, अगर बगल वाला लोग बोलता है तुम टाइम नहीं देते हो, तो उस आदमी से अगर आप टाइम लेने जा रहे हो सकता है एक दो बार फ्लैक्चुएट करें, तो तीसरा बार आप ऐसे 10 में से 7 बंदा तो दे ही देता, 3 बंदा ऐसा होता है जो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, उसके टाइम के हिसाब से आप जाइए। समझ में आ रहा है मेरी बात? देखिए पहुंचना जरूरी है, या तो आप उसके पास पहुंचो या तो वो आपके पास पहुंचे। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? आया ना? देखिए कभी कभी ऐसा होगा एक दो आदमी जिसके पास आपको पहुंचना पड़ेगा 1:1 करने के लिए, बाकी लोगों को आप हॉल में बुलाइए, ठीक है? तो 2 डेट्स देना जरूरी है। हेलो, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट मिटा दूं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा, दैट इज रिमाइंडर कॉल, फोर्थ नंबर, रिमाइंडर कॉल। क्या जी? रिमाइंडर कॉल इज द मस्ट, एकदम मस्ट है, ये सुन लो, बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, किसी को मंडे को इनवाइट किया और सीधे फिर सैटरडे को बोलते हैं आ रहे हो, वो भूल जाता है इस बीच में। हम इंसान के दिमाग ने पिछला 2 घंटा पहले क्या किया वो भूल जाते हैं। हेलो, भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं? Yes. भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं? एग्जाम्पल, yes, तुम खड़ा हो जाओ, तुम हमें यह बताओ कल क्या खाई थी? हाँ, अरे खाना वाना कुछ खाई थी कल? हवा छोड़ के? नहीं सर। अरे हवा मतलब बंगाली लोग हवा भी खाता है ना, पानी भी खाता है, हमें जल खाबो, बट मैं ये पूछ रहा हूँ खाना क्या खाई थी? क्या चीज का पूछिए? आलू का। अब एक हफ्ते बाद मैं पूछूं लास्ट सैटरडे को क्या खाई थी, फ्राइडे को क्या खाई थी, याद है? नहीं सर। हाँ, वो एक बंदा तो हमको साला 1 महीना में बता दिया। हमारा यहाँ थ्योरी काम नहीं किया, मेरा ये वाला थ्योरी वहां पे हम मुंह बना दिए। बोला भैया हम 1 महीना तक क्या खिए वो खाए उनको याद है? हम बोले बड़ा दिमाग वाला, क्या खाया? बोले भैया हम रोज मार भात चोखा खाते। तो साले फिर चेंज भी नहीं किया, तो यहाँ मेरा थ्योरी फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब रोज मार भात चोखा खाएगा उसको हम कहां से चेंज कर पाएंगे? लेकिन अक्सर जो लोग सब्जियां चेंज करते हैं वो लोग का तो 100% है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद क्या खाया भूल जाता है। हाँ या ना? बैठ जाइए। तो सेम मैं बोलना चाह रहा था कि इंसान को आपने मंडे को इनवाइट किया, फिर वो क्या करता ट्यूजडे को? एक देखिए, हर एक दिन में एक आदमी कम से कम 10 लोगों से मिलता है। हाँ या ना? भूल जाता है, आप ही भूल जाओ। तो उसको हर दिन कॉल करना है, ऐसे नहीं फोन करके आए आ रहे हो, ऐसे नहीं, नॉर्मली संडे को मंडे को इनवाइट किया, ट्यूजडे को और बताओ यार क्या हाल चाल है, अरे हम आ जाएंगे, वो बोलेगा अरे आ जाओ, वो तो मालूम ही, हम ऐसे पूछ रहे भाई, खाली हो तो बताओ, चाय वो पीने के लिए आए हम लोग साथ में, हम इधर आए हुए थे चाय पीने के लिए, चलो। अरे वो तो मैं जानता हूँ तुम आओगे ही आओगे, ये आओगी ही आओगी। समझ में आ रहा है? बस नॉर्मल कॉल किए थे, और बताओ कुछ भी लेटेस्ट कुछ न्यूज चल रहा है उस न्यूज को लेकर बात कर लेना। समझ में आ रहा है? वो बात को नहीं बात कर, लास्ट का 1 मिनट में फोन रखने से पहले समय याद रखना, एडमिट कार्ड है ना, बस एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला लेकर जरूर आना, जेरॉक्स ले लेना, चल ठीक है रखते हैं, लास्ट का 1 मिनट जब फोन रखने वाला रहेगा तब बोलना, मेमोराइज करवाना। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा तीसरा दिन 2 दिन बाद छोड़ के फिर उसको मेमोराइज करवाना। अब एक आदमी सारा मंडे को इन्वाइट किया, फिर सैटरडे को कॉल करता, कौन? अरे हम सुरेंद्र बोल रहे। कौन सुरेंद्र? अरे वहां मिले थे पीपल के पेड़ के नीचे, उसके पीछे, फिर यहाँ, वो पीछे आगे सब याद कर, कहाँ मिले थे, कौन था, अब उसको याद ही नहीं आ रहा है। तो रिमाइंडर कॉल बहुत मस्ट है। समझ में आ रहा है? इनविटेशन में कॉल कीजिए। कई लोग तो इतना बिजी विदाउट बिजनेसमैन रहते हैं कि उसको समय ही नहीं मिलता कॉल करने का। तो भाई जो आपके लिए एक संपत्ति है, जो आपके लिए एक धन है, जो एक लक्ष्मी है, जो आने वाला है, उसके प्रति आपको जागरूक तो रहना पड़ेगा। आया ना? तो रिमाइंडर कॉल मस्ट है। समझ में आ रहा है? कॉपी में लिख लो आप, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, एक जो नेक्स्ट पॉइंट है 5वां नंबर, एक चीज जरूर उसको आप बोलोगे, नो प्रेशर।
एकदम प्रेशराइज नहीं करना है कि तुमको जाकर ज्वाइन करना है, उसको एक चीज लास्ट में बोल देना है, प्रेशर फ्री कर देना है। उसको क्या कर देना है? प्रेशर फ्री कर देना है कि भाई बुला तो रहा हूं, सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, नो प्रेशर या प्रेशर फ्री लिख सकते हो इसको, समझ में आ रहा है? उसको प्रेशर फ्री एकदम आराम से हुआ है, देखो भाई बुला तो रहा हूं लेकिन तुम वहां सेलेक्ट हो ही जाओगे ये कोई गारंटी नहीं है, समझ में आ रहा है? वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है मेरी बात? आप अच्छे से दोगे तो 100% वहां पे सेलेक्ट हो जाओगे, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो ये गारंटी नहीं है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां काम करना है कि नहीं करना है, समझ में आ रहा है? ये भी बोल देना है, समझ में आ रहा है? तो उसको प्रेशर आया या चल ठीक है कोई बात नहीं, चल घूमते फिरते आते, मेरी बात समझ में आ रहा है? वो प्रेशर फ्री होके जाएगा। अब उसको बोल दोगे जाओगे तो वहां पे एडमिशन करना होगा, ये सब बात अगर बोल दिए तब वो बंदा प्रेशर में आ जाएगा। उसको प्रेशर फ्री करके बुलाना है कि देखिए वहां सेलेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दोगे तो 90, ये भी बोल देना है कि 95% लोगों का हो ही जाता है। आप जिस सेक्शन में पढ़ रहे हैं या जिस बोल सकते हो जो क्लास आपका 12th में हो, 12th के लोगों को हो ही जाता है, ऐसे बोल देना, समझ में आ रहा है? हाँ, ये आपके ऊपर भी डिपेंड, आप करोगे कि नहीं करोगे वो बात की, वो आपके ऊपर च्वाइस है, समझ में आ रहा है मेरी बात? प्रेशर रिलीज होके बंदा आएगा, समझ में आ रहा है? जब भी बुलाइए तो प्रेशर फ्री करके बुलाइए, इसके लिए नेक्स्ट एडवाइस, एडवाइस हमेशा बड़ों, देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में ना आप लोगों से एडवाइस लीजिए, मतलब सलाह लीजिए, सलाह देने मजा आता है, आता ही नहीं आता है? जिंदगी में एक छोटा भाई कभी बड़ा भाई को सलाह दे सकता है? चार थप्पड़ मारेंगे। एक बेटा अपने बाप को सलाह देने जाएगा तो क्या होगा? चार गाली खाएगा, लाल जूता खाएगा, आया ना? कभी भी बड़े को इनविटेशन कीजिए तो उसे सलाह मांगिए कि देखिए हम एक प्रोजेक्ट में काम करते, पता नहीं अच्छा है कि खराब है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जाके बताते ना, क्योंकि आपको आपको टेक्नोलॉजी को बहुत नॉलेज, भले है नहीं है नॉलेज, तो उसको हाइप उठा देना कि आप जो है ना मेरा आइकॉन है, आप आइडियल है, हम क्या गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, एक बार आके तो देखिए आप। अगर कोई टीचर है, जैसे मैं बताया ना एक सर जिनसे पढ़ते थे, हम बहुत रिक्वेस्ट किया नहीं आया, लेकिन जब एडवाइस के लिए बुलाए कि सर देखिए ना हम लोग दो चार आपका स्टूडेंट कुछ कर रहे, पता नहीं वो सही है कि गलत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर आप आके बताएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। तो सर को ना सलाह देने के लिए बोला तुमको अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन में आ गया सीधे, समझ में आ रहा है? अब वहां पे ना उनको हमको जो लपेटना होगा लपेटेंगे, समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब है कि उनको एडवाइस के लिए जब बुलाओगे ना तो बहुत जल्दी आएंगे लोग, तब ना उनको समझाना है कि क्या है क्या नहीं है। देखिए हकीकत में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं स्मार्ट वैल्यू में भी, जो प्रोफेसर करते हुए वो 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, वहां से तनख्वाह उठा रहे हैं, और स्मार्ट वैल्यू से भी 50,000-1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, ऐसे कई प्रोफेसर है, दिस इज द रियलिटी। कई ऐसे रेलवे इंजीनियर है, जैसे सुजय दास का खुद का अपना भाई, जो रेलवे इंजीनियरिंग आज के तारीख में 1.5-2 लाख रुपए पाते हैं सरकार से, और स्मार्ट वैल्यू से भी आज के तारीख में वो लाखों रुपए कमाते हैं, 2.5-3 लाख रुपए स्मार्ट वैल्यू से कमाते हैं। सुजय दा का भाई क्या, सुदीप दा, सुदीप दा उनका नाम है। तो ऐसे कई लोग हैं। मेरा कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि बड़े लोगों को सजेशन के लिए बुलाइए, टेक एडवाइस, और लोगों को सलाह देना बड़ा अच्छा लगता है, आया ना? तो जब भी बड़े को मत बोलो कि आना पड़ेगा, ऐसा नहीं सर आपको हम क्या कर रहे हैं एक बार देखिए, आप आइए यहाँ पे, समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, अपने बड़े भैया को, बड़े दीदी को, अपने बड़े चाचा को, अपने मामा को, किसी को भी बुलाना है, अपने रिश्तेदार या पड़ोसी में भी कोई भैया है तो उनको, या आपके उम्र का कोई भैया तो उनको एडवाइस के लिए बुलाइए, समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे क्या बोल सकती हो? देखिए मैंने क्या बोला ना,
कि दुनिया में मोदी जी का एक बहुत अच्छा मुझे याद आता है एक इंटरव्यू कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके पास समय नहीं है। अगर कोई ये बात बोलता है कि समय नहीं है मतलब झूठ बोल रहा है। समझ में आ रहा है? ये आप ही मानते हो नहीं मानते हो? तो कितने ही कॉम्पिटिशन का तैयारी करे कुछ भी करे समय है आने की इच्छा नहीं है उसको। तो इच्छा जगाना है तो कैसे जगा सकते हो इच्छा कि ठीक है आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। अरे बहुत सारे कॉम्पिटिशन वाले लोग ही तो आते हैं वहां पे। क्या बोलना है? बहुत सारे कॉम्पिटिशन वाले ही लोग आते हैं और आप ही लोगों के लिए है। क्या चीज का कॉम्पिटिशन कर रहे हो? आईएएस का आईपीएस का आप कर रहे हो ना तो उसके लिए तो ये लगेगा ना। ये लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये पैसा कौन देगा? आपके मम्मी पापा। अरे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं वहां पे। ऐसे बोलना दीदी हम ऐसे लोगों को वहां देखे या भैया ऐसे लोगों को देखे हैं जो मेडिकल का तैयारी कर रहा है लेकिन अपना पैसा से। एक बार आप जाके देखेंगे। देखिए मैं बोलूंगा तो आप मानेंगे नहीं। आप एक बार आके तो देखिए वहां पे। और ये सच बात है। बहुत सारे इंजीनियरिंग मैं खुद दूसरे के बारे में क्या बोलूंगा। मैं इंजीनियरिंग करते करते यहां पे आया। मैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करता था। हेलो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं यहां पे बीआईटी मिश्रा जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते करते यहां पे आया। मेरे को भी तो ऐसे इनवाइट किया गया जो सवाल तुम्हारा है ना तो ऐसे ही मेरे को भी इनवाइट किया गया था कि तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो लेकिन रहने का खाने का यहां का पैसा कौन देता है? आके कहीं लॉज में तो रहती होगी या अगर अपना घर में भी रह रहा है तो पैसा कौन देता है? आपको मम्मी पापा देता है। अरे वहां पे मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा जो अपनी पढ़ाई लिखाई अपने बलबूते पे कर रहा है। आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दूं कि मेट्रो सिटी जितना है। मेट्रो सिटी मतलब क्या? कोलकाता मुंबई दिल्ली नाम सुने हो ना? Yes, मैं दिल्ली में जितना दिन रहा हूं ना वहां पे देखा जितना लोग कंपटीशन का तैयारी करता है वो लोग कुछ ना कुछ काम भी करता है अपनी पढ़ाई लिखाई अपने बलबूते पे करता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, तो ये बातें उसको आप बता सकते हो कि बहुत सारे कंपटीशन करने वाला लोग ही वहां पे काम करते हैं। आप एक बात बताओ महीने का अगर 10-15 हजार रुपया 20 हजार रुपया अगर आता है और उसी से आपका कॉम्पिटिशन निकल जाएगा तो कितना अच्छा बात है। हेलो समझ में आ रहा है? वहां पे कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने काम करते हुए पैसा इनकम के मां बाप से पैसा नहीं ले रहे लेकिन वहां पे पैसा कमा के अपनी कंपटीशन की तैयारी निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो बोलने का वही क्या नाम है वो सूप वाला कहानी सूप वाला समझ में आ रहा है? डायरेक्ट नहीं बोलने का थोड़ा सा देखिए क्या होता है ना डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट कान नहीं पकड़ने घुमा के कान पकड़ने का। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है तब समझ में आएगा। लोगों को सीधा बात समझ में नहीं आता है। बैठ तो ऐसे कई सारे किस्से हैं। अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो सब्सक्राइब करो और जम के शेयर करो और कमेंट भी कीजिए। इससे मेरे को और भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।